मेरे भाई, कभी भी किसी हाल में खुद को बिखरने मत देना। यहां तो गिरे हुए मकान की ईंट तक सब उठा ले जाते हैं। मैं आपको एक सुंदर कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति को अदालत में मौत की सजा सुनाई जाती है और इसे यह बताया जाता है कि तुमको एक डेंजरस सांप से डसवा कर मौत की सजा दी जाएगी। पहले फांसी थी, उसके बाद फांसी का प्लान उन्होंने चेंज किया। उसको बताया गया कि तुमको एक डेंजरस सांप से डसवा कर तुमको मौत दी जाएगी। उसके बाद उसके चेहरे पर एक ब्लैक कपड़े से ढक दिया जाता है और ब्लैक कपड़े से ढकने से पहले उसको दिखाया जाता है कि सांप उसकी तरफ आ रहा है। और जैसे ही उसके तरफ सांप आता है, फिर वहां के लोग अचानक प्लान फिर चेंज करते हैं और इस बार उसको एक सुई की नोक से तेज से उसके हाथ पर चुभाया जाता है, जिसे उसे चक्कर आता है और वो वहीं पे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है कि ये पता करने के लिए कि किस दर्द से इसकी मृत्यु हुई, तो पता चला कि उस दर्द से उसकी मृत्यु नहीं हुई जो उसे सांप देने वाला था। उस दर्द का जो विचार था और उस दर्द से जो जहर पैदा हुआ, वो सांप के जहर से ज्यादा खतरनाक था, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। यानी आपके परिस्थिति में वो दम नहीं है जो आपको बर्बाद कर सके। आपकी मनोस्थिति आपके परिस्थिति से पहले आपको बर्बाद कर देगी। ज्यादातर लोग इसलिए हार मान जाते हैं कि जीत से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। जिंदगी में बड़े निर्णय लो, फिर दोबारा पलट के मत देखो, क्योंकि बार बार पलट के देखने वाला इंसान कभी इतिहास नहीं रचता है।